आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान मंडी में एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा 2 दिन का औद्योगिक अभिप्रेरणा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी आईटीआई प्रिंसिपल शिवेंद्र डोगरा ने दी। उन्होंने बताया कि शिविर में आईटीआई के 110 बच्चे भाग ले रहे हैं। इन 2 दिन के कार्यक्रम में बच्चों को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, किस तरह से हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत कैसे उद्योग लगाना है या कोई भी कारोबार करना है, उसमें किस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, कैसे बैंक से लोन लेना है और किस तरह से काम कर सकते हैं, ये सब जानकारी डिटेल में शिविर के माध्यम से बच्चों को दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्थान के बच्चों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। हमारे आईटीआई मंडी में जो है एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा जो है 2 दिन का इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन शुरू किया जा रहा है। इसमें हमारे आईटीआई के 110 बच्चे जो हैं वो भाग ले रहे हैं। इस 2 दिन के कार्यक्रम में बच्चों को डिटेल में बताया जाएगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं कि हमने अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत जो है कैसे उद्योग लगाना है या अपना कोई भी कारोबार करना है, धंधा करना है, तो उसमें कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, क्या क्या कैसे बैंक से लोन लेना है, क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। इसमें हमारे बीच जो है एमएसएमई सोलन से असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी आए हैं, बीर सिंह जी जो टेक्निकल ऑफिसर हैं एमएसएमई के वो आए हैं। इसके अलावा जो है मैनेजर डीआईसी आएंगे और केबीआई से आएंगे एक्सपर्ट, और आज जो है पीएनबी आरसीटी से मैडम स्वाति और मिस्टर एससी शर्मा जी आए हैं। तो ये बच्चों को डिटेल में बताएंगे कि 2 दिन के इस कार्यक्रम में कि आपने अपना उद्योग जो है वो कैसे स्थापित कर सकते हैं यहाँ से आईटीआई के पास करने के बाद। तो ये एक बहुत अच्छा सुनहरी अवसर हमारे आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए है कि हमारे आईटीआई में ही सभी एक्सपर्ट यहाँ आएंगे और इनको 2 दिन में सब कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बताएंगे।